की की दुनिया में आपका स्वागत है तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पुराने कपड़े से बेडशीट तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पर रखे हुए हैं ये पुराने कपड़े पुराने कपड़े ऐसे हैं बच्चे बच्चों की स्कर्ट है जो सूट मैं सिलती हूँ घर में उनके बचे हुए कपड़े हैं जैसे ये कॉटन का सूट मैंने सिला था इसका बचा हुआ कपड़ा इस तरीके से बहुत सारे कपड़े मेरे पास सूट के बचे हुए हैं थोड़े 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 कॉटन के तो इन्हीं कपड़ों का यूज़ करके आज हम बहुत सुंदर बेड बनाने वाले हैं तो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये बहुत सारे कलर के जो सूट सिले हुए थे उनका बचा हुआ सामान जो मैंने आज खोला हुआ है यहाँ पे तो अब हम इनसे इनको काट के इनका फ्रेम बना करके अच्छे से बनाएंगे एक बेड शीट और बेड शीट मेरे पास ये देखिए वाइट कपड़े की है इसके बाद में हम लोग ले लेते हैं एक बुक या बच्चों की बुक्स वगैरह फट जाती हैं उनका पुराना सा ऊपर का कवर कवर लेने के बाद हम इस पे बनाएंगे ड्राइंग और ड्राइंग बनाने के बाद में आप जैसी चाहे वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें और मैं ड्राइंग बिना नापे तोले बनाऊंगी आपको जैसा लगता है क्योंकि नाप तोल के जब हम बनाते हैं तो एक जैसी बनती है जो कि अच्छी नहीं लगती और इस तरीके से जब आप ड्रॉ करते हैं ना तो बहुत ही अच्छा नेचुरल एकदम से लुक निकल के आता है तो बस इसलिए मैं इस तरीके से ड्रा कर रही हूँ ड्रा करने के बाद में डिज़ाइन कैसी बन के आती है वो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ आप किसी भी तरीके की डिज़ाइन इस पर निकाल सकते हैं बट मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा ड्रॉ कर लेती हूँ कट कर लेती हूँ फिर बताती हूँ ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया है कट कर लिया है और इस तरीके से जो है डिज़ाइन निकल के आया है तो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा इस तरीके से जो है कट करने के बाद में फिर हम लोगों ने जो है अब इसको अब हम लोग जो है बेडशीट के ऊपर रखेंगे और मेरी बेडशीट में बीच बीच में लाइनिंग भी है तो उसके ऊपर भी मेरे को कपड़ा लगाना है चलिए बेडशीट दिखाती हूँ यह है मेरा बेडशीट और बेडशीट में ऐसे बीच बीच में जो है लाइनिंग है तो इन लाइनिंग के ऊपर जो है मेरे को कपड़ा लगाना है और इस तरीके से वो फ्रेम को मैंने रख करके और ड्रॉ कर लिया पेंसिल से हर एक जगह मतलब जिस बेड के लिए आपको बनाना है क्योंकि मैं दो, दो बेड शीट से बनाऊँगी और जो साइड में जगह दिखाई दे रही है ना यहाँ पर मैं दूसरी बेडशीट लगा दूँगी जब ये पूरा बन जाएगा तो तो देखिए इस तरीके से मेरी ये लाइनिंग बनी हुई है ना इसके ऊपर भी मेरे को कपड़ा लगाना है तो इसी साइज का कपड़ा मैं इनके ऊपर लगा दूंगी और यहाँ पर भी देखिए मैंने इस तरीके से पूरी बेड के ऊपर अच्छे से जो है मतलब एकदम मतलब डिज़ाइन मैंने बना लिया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये देखिए इसके बाद में ये डिज़ाइन जो है ना इस तरीके से आपको रखना है रखना मैं आप लोगों को बताती हूँ इस तरीके से रखना है और फिर इसके बाद पेंसिल से ऐसे उसके ऊपर बनाना है पेंसिल से मैं इसलिए बना रही हूँ एक्चुअली पेंसिल जो है धोने के बाद में छूट जाती है तो आप लोग भी ऐसे यूज़ कीजिएगा और ये मैंने बना लिया और ये हटने के बाद में ये इस तरीके का लग रहा है तो आप इस तरीके से सारे छाप चा, लीजिएगा और इसी तरीके से हमको कपड़े पर रख करके कपड़े को कट करना है और कुछ फ्लावर मैंने जो है कट करके इस तरीके से सिल भी लिए हैं ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिएगा ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे जो है फ्लावर इस तरीके से बना करके जिस कलर का आपको बनाना है वैसे ही फ्रेम पे रखिएगा कट कीजिएगा और सिलाई कर दीजिएगा बहुत ही इजी और बहुत ही नेचुरल लुक देने वाली है बहुत प्यारी लगने वाली है बनने के बाद में लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और बस मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ साइड में इस तो देखिए बेडशीट हमारी बन करके हो गई है तैयार और मैंने उसको बेड पे लगा दिया है ये देखिए कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा और बहुत सुंदर लग रही है देखने में देखिए रियली में बहुत सुंदर लग रही है मैंने इसको बेड पे लगा दिया है और ये देखिए पिल्लो कवर मैंने ऐसे बनाए हैं डिजाइन वाले और ये मैंने अपने बेडरूम के लिए बनाई है तो बस उसको मैंने लगा दिया और आपको बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बेडरूम में कैसी लग रही है देखिए बहुत प्यारी लग रही है बहुत प्यारी बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ ना तो ये देखिए पूरा मैं आप लोग को इस तरफ से दिखाती हूँ तो ये देखिए ये है मेरा बेडरूम और बेडरूम के लिए मैंने बनाई थी वाली बेडशीट तो कैसी लग रही है आपको कमेंट करके बताइएगा और ये आज मैंने लगा दी है ये देखिए ये मैंने पूरी बनाई हुई थी देखिए तो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा ये मैंने अपने बेडरूम के लिए बना रखी है अभी बनाई हुई है आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को तो पूरा बारीकी से मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से ले जाते हुए पूरा देखिएगा ये देखिए ये इस तरीके के फ्लावर मैंने निकाले हुए हैं ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रही बहुत सुंदर आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा ये देखिए ये पूरा बेड का लुक मेरा बहुत ही सुंदर लग रहा है बेडरूम में बहुत सुंदर इस बेडशीट से बहुत अच्छे से खिल गया है ये देखिए देखिए पूरा बेड जो है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुंदर देखिए पूरा बेड बहुत सुंदर लग रहा है तो चलिए रोकती हूँ अपना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अभी के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक तो के लिए बाय बाय टेक केयर